वृश्चिक राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 3 अगस्त 2020 का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 3 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है पूर्णिमा, नक्षत्र है उत्तराषाढ़, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है, 5:43 में सूर्य अस्त हो रहा है, 7:10 में ऋतु है वर्षा। आज का दिन काल है 13:26:25 का। महीना है श्रावण। आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 11:59 AM से 12:53 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 12:54 PM से 1:47 PM तक। दोबारा है 3:35 PM से 4:28 PM तक। आज के दिन राहु काल शुरू होता है 7:24 AM से 9:05 AM तक। दिशा शूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का शुभ रंग, शुभ अंक और उपाय है, तो आप उसे भी देखें, सुने और फॉलो करें, ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में। मित्रों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार है। आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो, तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा और आज के दिन आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें, तो कामकाज के दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा बीतने वाला है। आज के दिन अगर अपने कामकाज में, अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ देगा और आने वाले समय में आपका कामकाज बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आज के दिन अपने नौकरी में, अपने जॉब में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके बॉस या फिर आपके सीनियर आपको जो भी काम दें, आपको जो भी टास्क दें, आज के दिन अपने मेहनत के दम पे आप अपने बॉस को, अपने सीनियर को खुश करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आने वाले समय में आपके नौकरी में, आपके सैलरी में आपका प्रमोशन होगा, आपके सैलरी में वृद्धि होगी और आपका आने वाला समय बेहतर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस राशि के विद्यार्थियों के बारे में। मित्रों, विद्यार्थियों का समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आज के दिन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो पढ़ाई लिखाई में आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन अपने समय का दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं और आज के दिन समय के महत्व को अगर आप समझते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आज के दिन आप अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को जगह बिल्कुल भी न दें। आज के दिन हमेशा आप सकारात्मक रहने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आज के दिन आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और सलेटी।
आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 6 यानी कि 6। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर होगा। तो आज के दिन आप महादेव की पूजा करें, अपने पूजा पाठ से आप शिव शंकर शंभु कैलाश पति को खुश करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो यही था आपके आज के दिन का राशिफल। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि 3 अगस्त 2020 के दिन रक्षाबंधन का पर्व है, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि रक्षाबंधन का पर्व आपको कब मनाना है, किस अवधि में गलती से भी रक्षाबंधन का पर्व आपको नहीं मनाना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भद्रा काल कब खत्म होता है। मित्रों, 9:29 सुबह में भद्रा काल खत्म होता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि 9:30 के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व आपको मनाना है। 9:30 से पहले इस पर्व को आपको नहीं मनाना है, इस बात को आप याद रखें। इस रक्षाबंधन में सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आप भद्रा काल के बाद रक्षाबंधन मनाते हैं, भद्रा काल के बाद अगर अपने भाई को आप राखी बांधते हैं, तो आप दोनों भाई बहन की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि इस योग से यही फायदा होता है।